वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली एंड GK करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, IRCTC द्वारा आरंभ की गई विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन कितने दिन में भारत और नेपाल में स्थित बौद्ध स्थानों की यात्रा कराएगी। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है 8 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के इतिहास में कितनी महिलाओं ने पहली बार बिना किसी पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 2 महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र की बच्चों की मौत के सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज हुए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्कूल में 2021-22 सन से लड़कियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सैनिक स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ओमान। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार का सांस्कृतिक विभाग विश्व प्रसिद्ध कौन रामलीला के लिए देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 91वीं इंटरपोल महासभा का साल 2022 में आयोजन करेगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 102वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफला विश किससे बनते हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कवक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के पौधों की किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, फल आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, डोलोमाइट। डोलोमाइट कोयले की किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजीब घटक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कोयला क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, धोधू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम अपील न्यायालय कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय। ये थी आज की क्यूज। आपकी इस क्यूज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।